नाजिन का है कि माई वो जगह है बता, वो कुरड़ी बता जहां आपने उस भभूत को गिरा, भभूत को डाल लिया। और सरस्वती, सरस्वती बाजली, सरस्वती ने खगा ठा दिया। ये यात्रा है सूर्य दयाल ब्राह्मण के घर से लेके जहां गुरु गोरखनाथ का जन्म हुआ वहां तक की एक यात्रा। गोरखनाथ गुरु मच्छेंद्रनाथ दरवाजे थे कुरड़ी तक का सफर तय करते हैं। कैसे ओम अनादि नाथ मच्छंदर गाए सारा इनाम पहले 100 रुपए से उर्मान सम्मान आदरणीय मेरे भाई नरेंद्र डॉक्टर साहब काफी नाम पहले 50 रुपए से उर्मान सम्मान करते हैं। तहदिल से धन्यवाद के रटो मना दी नाथ मच्छंदर दाए। यहां गोरख पुराण का लेख है। गोरख पुराण कहता है कि विष्णु भगवान ने नाथ संप्रदाय की नींव रखनी थी और इनका, इन सारे संत मूर्तियों का इनका अद्भुत जन्म है, विचित्र जन्म है। इनका विचित्र जन्म है। पहले नंबर पे गुरु मच्छंद्रनाथ का जन्म खोल लिया, उसका भी नहीं हुआ था, मछली मां के पेट से उसका गर्भ से जन्म हुआ था। ये विष्णु का आदेश था कि नाथ संप्रदाय की नींव रखनी थी। गोरामा शंकर भगवान से कहती कि महाराज तत्व ज्ञान का ब्रह्म बताइए, ब्रह्म ज्ञान मेरे को भी सिखाइए। और शंकर भगवान कहते हैं कि गोरा इसके लिए तो एकांत जगह चाहिए और रात के समय समुद्र के किनारे पार्वती और शंकर भगवान बैठ जाते हैं और शंकर भगवान तत्व ज्ञान सिखाते हैं, ब्रह्म ज्ञान सिखाते हैं। और वो मंत्र उच्चारण वहां तो समुद्र के किनारे, सागर के किनारे मछली मां किनारे पर लेटी हुई और बताते हैं कि ब्रह्मा जी का वीर्य मछली मां के गर्भ में पड़ रहा था और वह सारे मंत्र मछली के का नाम जान, सारे मंत्र मछली मां के का नाम जान लग रहे। और शंकर भगवान ने कहा कि गोरा मां कुछ समझ आया? और पार्वती नहीं बोली, मछली के पेट से आवाज आई कि गुरुजी ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। अरे एकदम शंकर भगवान लखाया और पार्वती भी नहीं बोली तो आवाज कितना आई। फिर पूछा कि पार्वती कुछ समझ आया? पार्वती नहीं बोली, मछली मां के गर्भ से आवाज आई कि गुरुजी ब्रह्म ही ब्रह्म है। और उड़े शंकर भगवान एकदम से समझ जाते हैं और वही गर्भ में कुछ संकेत देते हैं कि आपका जन्म होगा और आपको दत्तात्रेय से मिलना है, वो आगे का रास्ता तय करेंगे। पहले नंबर पे गुरु मच्छंद्रनाथ का जन्म खुल गया। क्या
माया रूप धर्म का बनाए रहे वशंकर आदेश गुरु दत्तात्रेय बताए रहे वशंकर आदेश गुरु दत्तात्रेय अरे मछली मां से जन्म हुआ ए मछली मां से जन्म हुआ मच्छंदर नाथ का हारे नाथ मच्छंदर चास लाई अग भाई यो भी जन्म के बलिए जब इस ज्ञान की परिभाषा आवे भैया ये चीज खत्म हो जाए तो इसका प्रकाश हृदय में होगा क्या सम्मान करते हैं भाई का तहे दिल से धन्यवाद है जब जमदाथ जी कुरडी का निचालन लग रहे सारी नगरी का भी खखा टूट रहा सारी नगरी न्यू देखा है जैन जुलम होगा कुरडी का छोरा पैदा होगा सारी कुरडी भी उठे चमत्कार देखने का तेरे सारी नगरी का खखा टूट रहा कैसे देवलाला नाथ पापा का वह फूल बगीचा से तोड़ रहे बेम
माता और सरस्वती साक्षी एक थोड़े रे श्री नाथ पैदा होंगे हाथ सभी जोड़ रे श्री नाथ पैदा होंगे हाथ सभी जोड़ रे श्री नाथ पैदा होंगे हर धर्मराज यमराज खड़े ए धर्मराज यमराज खड़े पूरे काल भी शीश झुकाए रे भाई शिवा 10-10 रुपए से भी बहुत बार मान सम्मान किया 50 रुपए से और भाई का भी तहे दिल से धन्यवाद। पूरी दुनिया को संकेत है, संकेत उपदेश के अगर सनातन को बचाना है, थोड़ी ही बार पहले हम कमेटी में भी जिक्र था, अगर सनातन को बचाना है तो सनातन से पहले गौ और संत को बचाना पड़ेगा। अरवा पहचान भी करनी पड़ेगी, संत सैग नहीं बतेरे रंडे लत्ते पर रहे हैं, क्यों नहीं पाखंड का काम नहीं चलेगा। अरे कपड़े तो रंग लिए, कपड़ा रंगन का मतलब है भाई वो परमात्मा का भजन करे, परमात्मा का भजन करे, नगरी में सुख शांति हो। अब काम भजन करण कर भजन भी नहीं करया तेरे सिर को अड़ी हाथ में दे फिर उसके उस पाखंड का काम नहीं, उस पर काम करवा वे। अगर सनातन को बचाना है तो न्यू करना पड़ेगा। जगन्नाथ होए होए जगन्नाथ सच्ची तेरी एक एक बाणी होगी हो कथा धर्म की सुनानी होगी, सत्य का प्रचार कथा पाखंड को, पाखंड को भगाओ नहीं चेतना जगानी होगी, गौ संत बचाओ ना तो सनातन को आनी होगी, बासोर में बने कविता दुनिया के मगानी होगी, बासोर में बने कविता दुनिया के मगानी विकास कहे वो सत प्रकाश, विकास कहे वो सत प्रकाश आप ही छंद बनाए रहे रटियो